जब भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के दर्शन करने के लिए आप अयोध्या आएंगे तो राम जन्मभूमि या भगवान श्री राम का मंदिर इकलौता ऐसा स्थान नहीं होगा जहां पर आकर आप बड़े बड़े दर्शन करेंगे। मैं इस वक्त सरयू नदी के किनारे नए घाट पर मौजूद हूं और अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे इस नए घाट पर भव्य तरीके से जो पूरा लाइट एंड साउंड शो है वो चलाया जा रहा है और उस लाइट एंड साउंड शो में हर दिन रामायण की गाथा होती है। ये वो गाथा है जो कि हमको लगातार देखने को मिली थी। भव्य देव दीपावली में हमने इसे देखा तो दीपोत्सव में भी हमने इसे देखा, लेकिन अब राम जन्मभूमि पर बनने वाले राम मंदिर की स्थापना तक, उसकी शुरुआत तक, यानी कि 22 जनवरी तक अयोध्या के इस नए घाट पर भगवान राम की महिमा, भगवान राम की एक कथा, भगवान राम की एक कहानी, रामायण का पूरा प्रसंग जहां भगवान राम का जन्म हुआ और उसके बाद कैसे वो लंका को जीत कर रावण का वध कर रावण को मारने के बाद वापस अयोध्या लौटे और उस लौटने की खुशी में जब दीपोत्सव मनता है वो इसी नए घाट पर मनता है, उस दीपोत्सव की बात हो, इन घाटों की साथ सज्जा हो, लाइट एंड साउंड शो के मुताबिक इनके बदलते रंग हो और इन तमाम रंगों के बीच में एक स्क्रीन पर चलती वो राम कहानी हो, पीछे बजती वो राम कहानी हो, ये अयोध्या के इस माहौल को, सरयू के किनारे को, नए घाट को भी उतना ही राममय बनाती है जितना राममय कोई भी भक्त होकर यहाँ पर आता है। अब सब इंतजार कर रहे हैं 22 जनवरी का, लेकिन उससे पहले भी जो लगातार भक्तों का तांता रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में लग रहा है वो पूरे दिन अलग अलग मंदिरों में दर्शन के बाद जब शाम को सरयू किनारे पहुँचते हैं तो इस राम कथा को मधुर संगीत के साथ, लाइट एंड साउंड शो के साथ, सुंदर चित्रों के साथ, सुंदर रंगों के साथ, एक मनमोहक तस्वीर के साथ देखकर भक्तिमय और आनंदित जरूर हो जाते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।